कहता है ए मैन थ्रो द बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर. ठीक है, एक आदमी बॉल फेंकता है ऊपर यार, लेकिन वो क्या है कि दो दो सेकंड पे फेंकता है, इंटरवल 2 सेकंड रखा है. एक बॉल फेंकेगा 2 सेकंड बाद दूसरा फेंकेगा, फिर 2 सेकंड बाद दूसरा फेंकेगा, ऐसे वो फेंकता रहेगा. ठीक है, अब कहता है कि वो कितनी स्पीड से फेंक है जिससे मैक्सिमम जो है मोर देन 2 बॉल्स एयर में रहे. अब वो कितनी स्पीड से फेंकेगा कि कम से कम 2 बॉल तो हवा में रहे. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है, काफ़ी डाउट आता है इसमें बच्चों को. अगर मेरे पास 2 बॉल है, ठीक है, एक बॉल 1 से डिनोट करता हूँ, दूसरा 2 से डिनोट करता हूँ. अब मैं बॉल 1 को फेंका, तो जब मैं बॉल 1 को फेंका तो ये कहाँ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी. तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई तो उसको जाने में कितना टाइम लगा पहले ये देख लेते हैं. अब मान लो मैंने इसको U से फेंका, ठीक है, तो जाने में जो टाइम लगा V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V जीरो हो गया U और ये ZT, मतलब T की वैल्यू आ जाएगी U बाई जी. ठीक है, समझना इसको U बाई जी. अगर वो है, अगर देखो जो स्पीड दिया हुआ है 9.8 लोगे तो 19.6, अगर 10 लोगे ये भी 19.6, ये भी 19.6, अगर 10 लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 एग्जैक्ट आएगा. ठीक है, तो 20 स्पीड से अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है, ठीक है, तो अगर U की वैल्यू 20 तभी होगी, U की वैल्यू 20 तभी होगी जब टाइम जो है वो 2 सेकंड होगा. समझ रहे हो ना, यहाँ से U इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई जी, मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड U होगा. ठीक है ना, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड होगा. समझना इसको, इसका मतलब ये होगा कि अगर वो वो 20 से फेंकता है, जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, तो एक बॉल को ऊपर तक जाने में 2 सेकंड लग गया. समझना, अगर वो 20 से फेंकता है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, तो एक बॉल को ऊपर जाने में 2 सेकंड लग गया. और 2 सेकंड क्या है, उसका इंटरवल भी 2 ही सेकंड है यार. मतलब एक बॉल अगर फेंक दिया, पहला वाला यहाँ से फेंक दिया, तो पहला वाला यहाँ दिखेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और दूसरा वाला उसके हाथ में है अभी. अब फेंकेगा, जब पहला वाला हाईएस्ट पे है तो दूसरा उसके हाथ में है, मतलब अभी एक ही हवा में रहेगा. ठीक है, आया समझ में, कब, जब वो 20 से फेंकता है तब, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 हो गया. अब उसकी इच्छा है कि बहुत ज़्यादा बॉल हवा में रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. स्पीड बढ़ाने से टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा. नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझो. मान लो उसके पास 3 बॉल है यार, ठीक है, 3 बॉल है, 1 2 3. तो अगर पहला वाला हाईएस्ट पे है, 20 से फेंकता है, तो दूसरा वाला इमेजिन करो, पहला वाला वापस आ गया है, दूसरा वाला हाईएस्ट पे है, तो तीसरा उसके हाथ में रहेगा. ठीक है भाई, ये पहला वाला जाके वापस आ गया, ठीक है, तो 2 और 2 4 सेकंड इसको लग गया. ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला हाईएस्ट पे है, तो तीसरा उसके हाथ में है, 2 सेकंड का इंटरवल पे फेंकता है. तो अगर 20 से फेंकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 से फेंकता है तो एक ही बॉल हवा में रहेगा, एक उसके हाथ पे रहेगा और एक उसके आ चुका होगा नीचे. ये तो बात क्लियर है ना. चलो, अगर इतनी सी बात क्लियर है, तो अब वो जो मतलब मैन है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, जैसे ही स्पीड बढ़ाया, मान लो 20 से नहीं फेंका, 30 से फेंका, हाई स्पीड बढ़ाया, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये हाइट बढ़ जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा तो वो और ज़्यादा बॉल फेंक पाएगा, क्योंकि उसको 2 सेकंड में तो फेंकना ही है. नहीं समझे, अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड हो गया एक बॉल का, ये जाने में उसको 3 सेकंड लग गया, तो एक बॉल को यहाँ से फेंकता और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको 3 सेकंड लग गया. तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, जैसे ही वो इधर हाईएस्ट पॉइंट पे 3 सेकंड, तो वो एक बॉल फेंक चुका होगा, तो दूसरा हवा में होगा और पहला हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में उसको जाने का जो है वो टाइम ऑफ असेंडिंग 3 सेकंड कर दिया. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टाइम बढ़ाएगा तो स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, टाइम बढ़ाएगा तो स्पीड, टाइम ऑफ असेंडिंग बढ़ाएगा तो स्पीड भी तो बढ़ाएगा भाई. समझ रहे हो, हाइट भी तो बढ़ेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो स्पीड है वो ग्रेटर देन
20 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, तब जाके उसको दो या तीन बॉल हवा में रहेगा। ठीक है, ऐसे एक बार ऐसे समझ लो, मान लो एक बॉल फेंका और वो बहुत ज़्यादा स्पीड दे दिया, एक घंटे बाद वापस आएगी। ठीक है, तो एक घंटे बाद वापस आएगी तो उसका टाइम इंटरवल दो दो सेकंड है, तो कई बॉल फेंक चुका होगा हवा में, कई बहुत सारे बॉल हवा में होंगे। ठीक है ना, आया समझ में? तो इसका जो है जो सही सोल्यूशन है वो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू 10 लिया था।